ओह इतने सारे कुत्ते भैया, किसको खाने का मन कर रहा है तुम लोगों का? इसको डराते थोड़ा सा। यहाँ से आएगी अभी हमारी बाइक डायरेक्टली नीचे। ये लगती है कोई बढ़िया वाली बाइक है। आज के वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप ये देख रहे हो, ये है एक शर्ट जो बहुत ही चीप प्राइस में मैंने ली है और बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। हल्की है, बहुत क्वालिटी अच्छी है इसकी। अगर आपको भी लेना है चीप प्राइस में 200 से 300 लेके, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी हमारे अमेजोन स्टोर की, तो वहाँ पे जाइए और जल्दी से खरीदिए। ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, जल्दी से स्टाइलिश बनिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में यार आप लोगों को बता दूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है हमारी बाइक में। अगर आपके पास भी मोटर स्पोर्ट्स बाइक है देन यार आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। कोई भी बाइक हो तो आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि जो आप वीडियो में देख रहे हो अभी आपके सामने आ रहा है ये ग्रिल जो रेडिएटर होता है, यानी कि इसकी ग्रिलिंग जो सामने होती है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये चीज़ आई है कि जब भी हम चलते हैं और वहाँ पे कंकर जो है, छोटे छोटे कंकर हिट होते हैं हमारे इस रेडिएटर के साथ, और उसकी वजह से बेंड होती है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर बेंडिंग हुई है, तो फिर क्या होता है, फिर एयर आना बंद होता है और हमारा इंजन होता है हीट अप। तो उस चीज़ को बचाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आपने ग्रिलिंग यार करनी पड़ेगी, जो रेडिएटर गार्ड जिसे हम कहते हैं वो लगाना पड़ेगा। तो आज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यार सर्विस होने वाली है, तो देखते हैं क्या होगा, वो सब अभी आपको दिखाएंगे। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं आपको डायरेक्टली मोटो व्लॉग से। सो गाइज ऑल सेट, तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट अपना वीडियो यहाँ से और निकलते हैं। बट उससे पहले अपन करता है एक छोटी सी व्हीली, पहले वार्म अप थोड़ा सा। बाय गॉड यार बढ़िया मज़ा आया, ज़्यादा लंबा नहीं खींच पाया और उसमें प्रैक्टिस चल रही हमारी। तो चलिए निकलते हैं फुल पावर के साथ, लेकिन पावर हमारा हो जाएगा कम, बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव सर्विस होने वाली है आज गाइस। तो देखते हैं यार कितना फटका लगेगा हमें। और हमारी बाइक में है बहुत बड़ी प्रॉब्लम, वो है हैंडल की। हैंडल जो है आजकल आई थिंक कि बेयरिंग जो है वो हो गई है ख़त्म ड्यू टू दिस व्हीलीज जो भी हम करते हैं। बट रिकमेंड कर रहा हूँ कि प्लीज़ ऐसा आप नहीं करना। तो उस चीज़ से बेयरिंग जो है हैंडल की यहाँ पे वो शायद ख़राब हो चुकी है, तो वो भी दिखाते हैं आज। चलिए। ओह इतने सारे कुत्ते भैया, किसको खाने का मन कर रहा है तुम लोगों का? ओह इतना कुत्ता काय को है इधर जी। हम पहुंचने वाले हैं अपने सर्विस सेंटर में और वहां पे आज क्या होने वाला है नो आइडिया, कुछ भी आइडिया नहीं है। और आरके भी सामने है, अब उसकी शॉप बंद है या ओपन है वो आगे जाके पता चलेगा हमें। पहले आपको मिलवाते हैं अपने आरके से और इसको डराते हैं थोड़ा सा। शूटिंग करते हुए आरके यहाँ पे देख लो गाइस, इतना बड़ा लेंस लगा हुआ है, क्या करना है, क्या उखाड़ना है भाई? भाई को उखाड़ना है फोटो। अरे क्या बात है, और सुना मेरी जान। तो यहाँ पे इनसे थोड़ी सी की मुलाकात, तो अब चलते हैं और पहुंच गए हम सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर वालों जल्दी से, मेरे को अभी जो है मेरे को लाइन में नहीं रहना है, मेरे को जल्दी से नंबर आ जाए तो मज़ा आएगा। अब पता नहीं कितने लोग होंगे यहाँ पे, है थोड़े से है, ज़्यादा नहीं है बट है यहाँ पे, जो भी होगा देखा जाएगा। तो अब कितना वेट करवाओगे भाई लोग? ये एबजेड एस, इतने बाइक्स एबजेड की देख लो कितने हैं, और यहाँ से स्कूटियाँ। तो क्या किया जाए, अभी पहले इनसे बात करते हैं, उसके बाद नीचे लेते हैं गाड़ी अपनी और उसके बाद हमारा काम होगा स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे है कोई नहीं है, है कोई इधर नहीं है। चाय पीने के लिए गए हैं बंदे, तो उनको देखते हैं कहाँ पे है। और बाबा नीचे जाना है, देखना है। यहाँ से आएगी अभी हमारी बाइक डायरेक्टली नीचे और वहाँ पे होगी हमारी सर्विस स्टार्ट। तो कौन है, कौन है? अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलामु अलैकुम सर, ठीक छो? असल में छो? अच्छा ना कहीं नहीं है? मैं सर्विस कर, सर्विस कर तो अभी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी, यानी कि हमारी जो है कार्ड बनेगा और उसके बाद हमारी बाइक आएगी नीचे एंड आफ्टर दैट हमारी सर्विस कंप्लीट हो जाएगी। कितना टाइम लगेगा आई डोंट नो, कोई भी आइडिया नहीं है। वैसे तो यार बहुत कुछ करना है इसमें, तो अब कितना टाइम लगेगा वो पता नहीं है, वो वाली है भाई। आर सी तो इसमें भी है, R15 है, ये लगती है रेसिंग, ये लगती है कोई बढ़िया वाली बाइक है। हमारा कंप्लीट हो गया है सारा कुछ और भाई ने निकाल दी बाइक। आजा भाई, आजा मेरी जान, आजा। ये भाई ने बाइक निकाली और थोड़ा सा टेस्ट करेगा और उसके बाद हमें रिव्यू देगा कि अब कैसी है। ये आ गए भाई, क्या शी आ गया बादशाह? डन 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 डन। तो आ गए हमारे भाई बिल लेके, जो मैं भूल गया था अंदर ही। थैंक यू भाई। तो ये है बिल, ये आगे आपको बताएंगे क्या क्या हुआ है। तो चलो थैंक यू यार, चलते हैं मेरी जान। आप वीडियो में इस बार आओगे, बहुत बहुत बार आओगे यार। ठीक है यार, इसको रखते हैं जेब में, यहाँ से निकलते हैं। सो आज तो फटका लगा, बहुत भयंकर वाला फटका लगा मेरे को। ओ, कोई नहीं, मज़ा आ गया बॉस। हाँ अब ठीक है यार, अब तो ठीक है, बढ़िया है। और यहाँ पे अब आए हम आरके के पास थोड़ा सा रेस्ट लेने, क्योंकि बहुत थके हुए हैं। रेस्ट करेंगे उसके बाद निकलते हैं, मिलते हैं आपको आगे। यहाँ से निकलते हैं अब हम घर और आगे आपको बताते हैं क्या क्या हुआ है। बिस्मिल्लाह करते हैं और निकलते हैं। हाँ अब फील तो बढ़िया आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया फील आ रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब सेट है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ब्रेकिंग जो है वो ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ब्रेक ऑयल जब तक पूरी तरह से वहाँ रिसाइकलिंग होता जाएगा तब तक ब्रेक्स अप्लाई करेंगे ज़्यादा ज़्यादा। तो उसके बाद ब्रेकिंग भी बढ़िया से होगी, क्योंकि ब्रेक ऑयल भी चेंज हुआ है। वो अभी आपको आगे बताते हैं कि क्या क्या चेंज हुआ है। आज सिंपल सा व्लॉग हो गया हमारा, एक सिंपल सा, बल्कि ये इंफॉर्मेटिव व्लॉग है आपके लिए। और आप लोगों को चाहिए कि आप इस व्लॉग को यार लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज़ ये फर्स्ट टाइम है जब हम व्लॉग जो है बिल्कुल इंफॉर्मेटिव बना रहे हैं। आई थिंक वैसे तो इंफॉर्मेटिव ही होते हैं यार हर किसी रंग में। सो गाइज, ये है हमारी बिल जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये बिलिंग है हमारी एंड यहाँ पे हम ये छुपाएंगे, बिकॉज़ अपना एड्रेस वेड्रेस सारा कुछ छोड़ दो। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है वो देखो, यामाहा ल्यूब जो है प्रीमियम कुछ फुल सिस्टम जो है वो 499, यानी कि इंजन ऑयल जो है वो आया है, मोबी ऑयल जिसे हम कहते हैं, ब्रेक ऑयल आया है, ब्रेक ऑयल एयर क्लीनर हुआ है, ऑयल क्लीनर हुआ है, कूलेंट हुआ है जो हमने डाला है इसमें, और चेन ल्यूब भी लिया है, और तो और इसमें ब्रेक फ्यूल यहाँ पे है। तो ये कुल मिला के हमारा खर्चा हो गया है 1628 रुपीज़। और उसके बाद हमने क्या किया है, कूलेंट प्लस FI क्लीनर किया है और अदर्स यानी कि लेबर चार्जेस जो है, और द फाइनल इज़ हियर 1977 रुपीज़। आज का फटका हमें लगा है, लेकिन ज़रूरी था भाई, कूलर चेंज करना ज़रूरी था। अब फाइनली यहाँ पे उन्होंने कहा है कि चेन स्प्रॉकेट जो है वो पूरा हमने चेंज करना है। तो बस यही है आज का वीडियो, किसी भी तरह अच्छा वीडियो लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।